अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है लेसन नंबर 3, पेज नंबर है 24, चित्राल वैली, वादी चित्राल। जैसे कि ये बहुत खूबसूरत वादी है जहाँ पे लोग स्पेशली विजिट करने के लिए जाते हैं। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स, ये है एक नेचुरल ब्यूटी है, फ्लावर्स हैं, हॉर्स राइडिंग है, और यहाँ पे आपको कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पहना हुआ है ब्लैक ड्रेस। ब्लैक ड्रेस के साथ देखें, इन्होंने हेड ड्रेस देखे हैं, उसके साथ किसको डेकोरेट किया हुआ है, उसके साथ डिफरेंट बटन्स हैं, शेल्स हैं एंड बीड्स। ये सारे जो है यहाँ पे, ये तीनों व्यूज़ जो हैं वो आपको नेचुरल ब्यूटी शो कर रही हैं, और यहाँ पे इनको आपके जो चित्राल वैली के जो लोग हैं उनकी आपको ड्रेसिंग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 25 पे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे लेटर। लेटर में क्या है कि जिस तरह हम अमूमा लेटर राइट करते हैं, हम यहाँ पे राइट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, और आगे जिस तरह इन्होंने डेट मेंशन की हुई मंथ, उस तरह करते हैं। पर यहाँ पे जो हमें बुक में क्या है कि जो फातिमा ने निमरा को जो लेटर राइट किया है वो क्या है, ABC गुलबर्ग 3 लाहौर, April 16, 2017, डियर निमरा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इट फील्स, ऐसा लगता है। अब देखिए, फील जो वर्ड है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि इट फील जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो फील के साथ हमने ऐड किया है एस या ईएस। एस या ईएस हमने किसके यूज करना है, इट के साथ। जैसे भी हम इट यूज़ करते हैं तो इट के आगे जो वर्ब होता है, वर्ब के साथ हम एस या ईएस यूज़ करते हैं। इट फील्स लाइक, ऐसा लगता है, सब जैसा कि आ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से, सिंस, अब आई सॉ, मैंने देखा, यू लास्ट, तुम्हें पिछली बार देखा। अब देखिए, सीन्स और जो लास्ट है वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। किस तरह हो रहे हैं कि जो सीन्स है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप लोगों का होता है। सीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे क्या है कि लास्ट, लास्ट में क्या है कि लास्ट ईयर हो सकता है, 4 o'clock हो सकता है, मंडे है, मॉर्निंग है। सिंस का मतलब क्या होता है, ये काम कब होना शुरू हुआ था। अब यहाँ पे लास्ट है तो लास्ट ईयर के साथ हमने पीछे क्या यूज़ किया है, सिंस। आई रिसीव्ड, मैंने वसूल किया, योर लेटर, तुम्हारा खत, अ फ्यू डेज अगो, चंद दिन पहले ही मैंने तुम्हारा खत वसूल किया। यू वांट, तुम चाहती हो, टू नाउ, जानना। जैसे देखें, नाउ अगर हम सिंपली लें तो नाउ जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमने नाउ के साथ ऐड किया है टू। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू ऐड करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा बन जाता है इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव सेंटेंस तो हमारा ये हो गया कि टू के साथ हमने नाउ लगाया। उर्दू में हमारी पहचान क्या होती है, एक फिक्रे के लास्ट में होता है ना, ने, नहीं, जिस तरह के टू नाउ, जानना, नून अलिफ ना, ये देखें लास्ट में नून अलिफ ना आ गया है, तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा बन गया है, इन्फिनेटिव का। अबाउट माई, अबाउट के बारे में, या क्या मुतलिक, माई, मेरी, समर, मौसम गर्मा, वेकेशन, तातीलात या छुट्टियाँ, कहते तुम मेरी मौसम गर्मा की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। यू नाउ, तुम जानती हो, माई, मेरी, समर, गर्मा, हैज़ बिन ग्रेट, हैज़ बिन, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस पीछे पड़ा है उसी तरह जो हैज़ बिन जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंसेस है। तो हैज़ के साथ हमें, हैज़ जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ बिन ग्रेट, कि मैंने, जो तुम जानती हो कि मेरे मौसम गर्मा की छुट्टियाँ बहुत ज़बरदस्त गुजरी या बहुत ज़बरदस्त रही। आई स्पेंट, मैंने गुजारी, स्पेंट जो है वो हमारे जो है वो सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनेट का। स्पेंट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो है स्पेंट। आई स्पेंट, तो पास्ट की बात हो रही, तो आई स्पेंट, मैंने गुजारी, अ मंथ, एक महीना, इन चित्राल वैली, चित्राल वैली में या वादी चित्राल में, मैंने एक महीना वादी चित्राल में गुजारा। आई नाउ, मैं जानती हूँ, यार फाउंड, फाउंड होता है शौकीन, किसी चीज़ का शौक होना, ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कुदरती मनाजिर का या कुदरती हुसन का। देयरफॉर, इसलिए आई राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, यू आर डिटेल्ड, तुम्हारे लिए एक तफसीली लेटर का, टू टेल, तुम्हें बताना। यहाँ पे आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ऐड किया है टू, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो इन्फिनेटिव सेंटेंस बन है। यू अबाउट, तुम्हारे बारे में, दैट के, प्लेस, जगह के, एंड पर, लोगों के, कहते मैं जो, मैं जो खत लिख रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अपने बारे में नहीं बल्कि वहाँ के लोगों के और जगह के बारे में भी बता रही हूँ। यू वुड लव इट, तुम इसे बहुत पसंद करोगी। वुड जो है, ये देखें हमारे पास का है, वुड की फर्स्ट फॉर्म विल होती है और विल हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं, तो विल की हमने पास की बात करें तो हमने क्या यूज़ किया है, वुड। लव इट, तुम इसे बहुत पसंद करोगी।
चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज। चित्राल वैली एक बहुत खूबसूरत वादी है। मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज, वैलीज जो नाउन है, अब इसको की खूबसूरती बयान करने के लिए हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है ब्यूटीफुल, तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हमने क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो है ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और मोस्ट है ब्यूटीफुल हमने लगा के हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की है कि सबसे ज़्यादा वादी खूबसूरत है इन द नॉर्थ शमाल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, ये एक अमन वाली जगह है, ये अमन जगह है। इट्स नेचुरल, इसकी जो कुदरती ब्यूटी खूबसूरती है, इस चार्मिंग दिलकश है। चार्मिंग का मतलब क्या, दिलकश करना, दिलकश, और ये खूबसूरती मनाजर जो है वो दिलकश है। इस चार्मिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंसेस आपका, इसके साथ आपने आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ की है। फॉर के लिए द विजिटर्स, क्या होता है, सियाहत जो सैर करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वहाँ के लोग जो है वो आते ही इस कुदरती मनाजर को देखते हैं और इस जो है उसकी जो खूबसूरती है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। इट इज़ नॉट थिकली, ये गंजान नहीं है, पॉपुलेटेड आबादी है, गंजान आबादी नहीं है, या भरपूर आबादी नहीं है, कि जिस तरह हमारे आम शहरों में पाई जाती है वहाँ नहीं है, ये एक गंजान आबाद नहीं है, मीन्स के यहाँ पे कम लोग ही आबाद होते हैं। उसके बाद देखें पेज नंबर 26 है, 26 में हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, वेयर इज चित्राल वैली सिचुएटेड, चित्राल वैली कहाँ वाक़ा है। इसका आंसर क्या है, कि चित्राल वैली इज सिचुएटेड वाक़ा है इन द नॉर्थ शमाल में आप पाकिस्तान, पाकिस्तान के शमाल में वाक़ा है। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बुक से देखें, चित्राल वैली इज सिचुएटेड, यहाँ पे थर्ड वाला पैराग्राफ है, यहाँ से डिलाइन किया गया है, इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ये आप लोगों का लेसन है कि फर्स्ट थ्री पैराग्राफ्स और लास्ट क्वेश्चन। डायरी क्या है आपके पेज नंबर 25, ट्रांसलेशन लर्न, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, लर्न प्लस राइट।